अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेघना रोहरा एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने फूड इंडस्ट्री के एक कंपनी है जो कि एंग्रो ग्रुप से रिलेटेड है। इसका नाम है फ्राइजलैंड कैंपना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड। ये इसका पहले जो नाम होता था वो एंग्रो फूड्स होता था और ये एक वेल नोन कंपनी है। ये एंग्रो जो है कॉरपोरेशन से है और इसका जो प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में वेल नोन होता है। इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो सारी जो इनकी फाइनेंशियल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मेन जो रीज़न है वो मैं आपको बताते चलती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ग्रो जब करती हैं तो उनका मार्केट शेयर प्राइस कम होता है और वो डिविडेंड भी नहीं देती, लेकिन वो जो कंपनी होती हैं वो एक वेल नोन इंडस्ट्री से होती हैं, ग्रुप से होती हैं, उनकी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कंपनी क्या करती है, जब आगे चल के ग्रो हो जाती है तो उनका जो मार्केट शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और वो आगे चल के डिविडेंड भी देती हैं। तो ये वैसे एक ही कंपनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये वीडियो आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर मिस ना हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ्राइजलैंड कैंपना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है, इनकी सेल्स क्या है, इनकी फाइनेंशियल्स क्या बता रही हैं, कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। सो लेट्स गो। अच्छा, तो अभी इनका जो मार्केट में इनका करंट मार्केट शेयर प्राइस है वो 81.50 है। आज तो इनका मार्केट शेयर प्राइस इंक्रीज भी हुआ था। इनका अगर मैं आपको वन ईयर चेंज दिखाऊं और इनका मैं YTD चेंज दिखाऊं तो वन ईयर चेंज इनका पॉजिटिव है, YTD चेंज इनका नेगेटिव है। मींस वो जो कंपनी रिटर्न देती है, जो सालों से रिटर्न देती आ रही है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आ रही है, वो नेगेटिव है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि कंपनी फ़िलहाल कोई डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन कंपनी एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के वो डिविडेंड भी देगी और ये कंपनी जो है वो आपको आगे चल के यहाँ से आपको कैपिटल गेन भी होगा। इनका 52 वीक रेंज में जो हाई है वो 126 है, इनका लो 65.50 है वन ईयर का। अब वन ईयर चेंज आप देखें तो एक साल में इनका जो मार्केट शेयर प्राइस है वो 13.19% इनका इंक्रीज़ हुआ है और इनका YTD चेंज वो नेगेटिव है, -3.81%। मतलब ये कंपनी कोई ख़ास डिविडेंड नहीं दे रही, मतलब ये डिविडेंड दे ही नहीं रही। अब इनका पी मल्टीपल 34.4 मल्टीपल है, क्योंकि इसका अभी जो अगर आप पी के मार्केट का देखें तो वो 5 है। तो इस हिसाब से ये जो स्टॉक है वो पुअर वैल्यू प्रेसिड है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये आगे चल के स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये एक वैल्यूबल स्टॉक होगा मार्केट में। क्योंकि अगर आप इनकी सेल्स देखेंगे या मार्केट में इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो वो हमेशा मीन्स उनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं और वेल नोन प्रोडक्ट होता है कि जो हर लोग बाय करते हैं। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.5% है, इनका EPS 2.35 है जो कि लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। डेट टू इक्विटी इनका 58.9% है। ये कोई इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि इनका जो डेट है वो वेल कवर्ड है बाय EBIT और इनका इंटरेस्ट पेमेंट भी वेल कवर्ड है। इनका ग्रोस मार्जिन 16.96% है और मतलब इनका जो ग्रोस मार्जिन है वो भी हर साल इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट शो कर रही है कंपनी और ये अपना जो डेट है वो भी हमेशा कवर करती आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 और 2021 की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो कंपेयर की गई है। ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो इनकी न्यू रिपोर्ट आई है। तो इनकी टोटल सेल्स आप देख रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, इनकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई है लास्ट ईयर से। मींस 44 बिलियन पहले थी 2020 में, 2021 में 52 बिलियन हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी 43 बिलियन इस साल है, 2021 मींस लास्ट ईयर थी और 2020 में 38 थी। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आप देख सकते हैं के 176 था पहले और अभी 1 बिलियन में हो गया है। मतलब इनमें बहुत पॉजिटिव चेंज आया है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और इनका जो EPS है वो भी मींस 90% से ये इंक्रीज़ हुआ है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो भी इतना अच्छा इंक्रीज़ हुआ है और ये हमेशा ग्रोइंग ट्रेंड ही शो कर रहा है कि ये कंपनी हर साल इनका जो सेल्स हैं, प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, तो ये हर साल इंक्रीज ही हो रही है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है।
अर्निंग्स आर हाई क्वालिटी, इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, इनकी हर साल इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनका करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, अभी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो भी लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चार साल की कंपनी की सेल्स भी दी गई हैं और पीएटी भी है और ईपीएस भी है। तो ये आप ग्राफ से अंदाजा लगा दें कि देखें ये अप ट्रेंड में 32 बिलियन 2018 में, 2019 में 38, 2020 में 44 बिलियन और 2021 में 52 बिलियन। हर साल ये अपना इंक्रीज शो कर रहा है, मीन्स इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज ही होती जा रही है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन एक्सेप्ट 2019, बाकी सालों में ये ग्रो ही कर रहा है। इस साल देखें इनका 2021 में इनका प्रॉफिट देखें, और अगर ये अपनी सारा जो डेट है वो कवर कर लेती है, अपना जो पी मल्टीपल है वो मेंटेन करती है, तो उसके बाद 100% ये एक्सपेक्टेड है, मींस अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी जो है आगे चल के डिविडेंड भी देगी अपनी शेयर होल्डर्स को अनाउंस करेगी, और ये जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देगी, और यहाँ से कैपिटल गेन भी होगा, मतलब इनका मार्केट शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं ये भी इंक्रीजिंग में ही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका इस साल इंक्रीज ही हुआ था 2021 में। ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज इनका ईपीएस 2019 और 2018 में नेगेटिव था, उसके बाद ये इंक्रीज ही हो रहा है। पीईजी भी इनका इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है और एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए ये जो स्टॉक है ये फेवरेबल स्टॉक होगा, आपको यहाँ से अर्निंग भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अल्लाह हाफिज़।